नमस्कार, मैं हूं मुनीश राजदान रेस्पिरेटरी से। आपके लिए एक नया प्रोडक्ट लेके आए हैं जिसमें आप किसी भी नॉर्मल बेड को रिक्लाइनर बना सकते हैं, वो भी मोटराइज्ड, रिमोट से आप यूज कर सकते हैं अपने बेड को। पेशेंट खुद भी यूज कर सकता है, खुद बटन दबा के पेशेंट बैठ सकता है, लेट सकता है और किसी भी पोजिशन पे आप उसको पेशेंट को रोक सकते हैं। तो किसी भी बेड को हम लोग रिक्लाइनर बेड बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे अभी देखते हैं। अभी हमारे पास ये हॉस्पिटल बेड ही है, अब इसको कैसे हमें रिक्लाइनर बनाना है अभी हम लोग इसके कंट्रोल्स यूज नहीं करेंगे, इसके ऊपर जो हम एक्सेसरी लगाएंगे उससे मोटराइज ये बनेगा। तो वो चीज़ आप किसी भी बेड पे रख के बना सकते हैं। ये रिक्लाइनर हमारा दो पार्ट में आता है, एक तो मेटेलिक पार्ट होता है, इस टाइप से ये रिक्लाइनर आता है, ये दो पार्ट में हमारे पास, और एक इसका मैट्रेस आता है पेशेंट के सर की तरफ रखना है, जहां से पेशेंट को रिक्लाइन करना है उस साइड हमें ये रखना है, लगाना पड़ेगा आपको। और इसका रिमोट है जिससे कि तो बिजली में इसका एक प्लग लगाना पड़ेगा। इसका ये रिमोट है, रिमोट में आप देखिए, रिमोट में एक बटन ऊपर का है, एक नीचे का है, एरो दिया गया है, एक ऊपर है एक नीचे है। जब ये ऊपर का एरो दबाएंगे तो ये अपने आप उठने लगेगा और नीचे का बटन दबाएंगे तो ये नीचे जाने लगेगा। इस तरह से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब इसकी जो दूसरी एक्सेसरी है वो है इसका मैट्रेस, इस टाइप से इसके साथ मैट्रेस आता है। मैट्रेस इसका तीन चार फोल्ड में होता है और इसको आप ऐसे बेड के ऊपर बिछा सकते हैं। इसमें ये देखिए, यहां से मैट्रेस जो है इसका यहां से मोटा है, यहां से आते आते ये पतला हो गया, ताकि ये जो है आपका ये लेवल एक प्लेन सरफेस आपका ये लेवल बन जाए और पेशेंट को ऊंचा नीचा फील ना हो, ये सरफेस एक प्लेन बन जाता है। आप इसको ऑपरेट करके देखेंगे, इसके ऊपर आप बेडशीट, एयर मैट्रेस जो भी रिक्वायर्ड हो पेशेंट को बिछा सकते हैं। उसके बाद आप ये बटन दबाइए, यहां भी आप चाहें पेशेंट को रोक सकते हैं, इतना ऊपर ये पूरा हो जाता है कि ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज हो गया। तो वापस करने के लिए नीचे वाला बटन, ऊपर करने के लिए ऊपर वाला बटन आप दबाएंगे। यहां भी पेशेंट को बिठाना हो वहां पे छोड़ सकते। ये बहुत ही यूजफुल चीज है, पूरा बेड जिनके पास पूरा हॉस्पिटल बेड घर में रखने की जगह नहीं है वो अपने ही बेड पे इसको लगा सकते हैं। किसी भी पोजीशन पे आप इसको छोड़ सकते हैं। बिल्कुल प्लेन हो गया। कई लोगों का कंसर्न ये रहता है कि अगर आप इसको बेड पे लगाएंगे तो पेशेंट गिर तो नहीं जाएगा, इधर या उधर गिर जाएगा, तो इसमें जो है साइड गार्ड जो है वो रेलिंग भी आता है, वो ऑप्शनल एक्सेसरी है। अगर आप चाहें तो वो उसके साथ में भी इसको ले सकते हैं। फोल्डिंग रेलिंग जैसे होती है बेड की, हॉस्पिटल बेड की, वैसी रेलिंग इसके साथ फिक्स हो जाती है दोनों साइड में, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको वैसा भी रिक्वायरमेंट हो।